गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में अगर घर में बिजली चली जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है। और ये जो परेशानी है इसने उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी भी बढ़ा दी है और इसको लेकर प्रदेश में विरोधी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। बिजली गुल, शिकायत यह है कि राज्य में 18-18 घंटे बिजली गुल रहती है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और देखिए क्या कहा गया है। 7 मई को 288 मिलियन यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली थी, 12 मई को यह 276 रह गई, 16 मई को 259 रह गई और 17 मई को 253 रह गई। कहां चली गई बिजली? और झज्जर की हरियाणा की बिजली लेना क्यों बंद किया, उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे दे। आज भी संकट के दौर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ 24 घंटे बिजली दी जा रही है, सरकार बताए कि इसका कारण क्या है। बीजेपी की तरफ से यह कहने की कोशिश कि जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहीं वहीं बिजली दी जा रही है और यह अपने आप में आने वाले दिनों में बहस में तब्दील हो जाएगी, इस बात की गुंजाइश तो है, लेकिन ऐसा होता है क्या? क्योंकि आखिरकार चुनाव तो लड़ना ही है और चुनाव 2017 में अखिलेश यादव सरकार को भी लड़ना है, तो संभवतः ऐसा शायद ही हो। लेकिन इस बात को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है, राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि आने वाले 2 सालों में 20 से 22 घंटे बिजली राज्य भर में लोगों को मिला करेगी। थोड़ी मुश्किल है लेकिन इसमें कहीं भी कोई राजनीति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की खबर आपको बतानी है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और वैसे तो इसे शिष्टाचार के नाते मुलाकात बताया जा रहा है लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसके सियासी मायने हो सकते हैं। दिल्ली में सरकार बननी है या फिर चुनाव होना है यह तय होना है और फिलहाल दिल्ली विधानसभा निलंबित है और अगर कोई पार्टी अभी भी सरकार बनाने में नाकाम रही तो राज्य को एक बार फिर से चुनाव में जाना पड़ सकता है। लिहाजा ये मुलाकात शायद इस बात को लेकर है, सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर जरूरत क्या है, चुनाव की या फिर यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से दूसरे मौके की मांग की है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक की और अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद वो आए, उन्होंने वॉलंटियरों से कहा कि वो दिल्ली में घर घर जाकर जनता से इस बात को कहें, उनके सामने ये बात रखें कि वे अब दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक अब हर अहम निर्णय आम सहमति से ही होगा और खासतौर पर अपने पुराने मुद्दे, बढ़ती वीआईपी संस्कृति पर भी लगाम लगाई जाएगी और संवेदनहीनता की जो एक बात कही जा रही है उनके बारे में क्या आप अपनी करते हैं वो बातें भी खत्म कर दी जाएंगी। एक और मौका चाहिए अरविंद केजरीवाल को, ये कहना है उनका और वो चाहते हैं कि इस बात को आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जगह जगह ले जाएं, लेकिन आखिरकार उनके अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं उस बारे में क्या, अभी तक इस विषय पर अरविंद केजरीवाल की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सब कुछ आपको सामने सामने सुनाई दिया है, आपने भी सुना, हमने भी सुना है, हम पूरी संगठन जो तैयार बॉटम अप हो रही है उसकी आप वेट करें, वो ऐसे संगठन तैयार होगा कि उसका काट किसी के पास नहीं होगा। हम संगठन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और संगठन हमारा बड़ा मजबूत होगा, ग्रास रूट लेवल पे होगा और साथ ही साथ जिस तरीके से आपका बूथ लेवल का है वहां से शुरू करेंगे। और आज अरविंद जी ने साफ तौर पर कहा है कि हर महीने एक बार जितने हमारे ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, बूथ के लोग हैं, उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे उनसे राय मशवरा करेंगे। मुझे लगता है कि अभी कार्यकर्ताओं के साथ फिर से एक बार संवाद हम लोग स्थापित कर रहे हैं जो बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा और जो सरकार से इस्तीफा देने के कारण जनता में जो गलतफहमी पहुंची है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कार्यकर्ता कैसे घर घर जाके लोगों को फिर से अपने मुद्दों को समझाने के लिए और अपने मुद्दों के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उस पर पूरी रणनीति। कहते हैं राजनीति सांप सीढ़ी के खेल की तरह होती है और आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है 99 तक पहुंच गई थी, सांप ने काट लिया और वापस 2 पर आ गई है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।